मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सगी माँ ने अपने दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है और खुद पंखे से लटक कर जान देने की कोशिश की, मगर ये पंखा ही टूट गया और महिला की जान बच गई। मामला नवी मुंबई के घनसोली का है, जहाँ 32 साल की पुष्पा गुर्जर और उसके पति के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर पुष्पा ने अपने 4 साल की बेटी दीपू गुर्जर और 1 साल के बेटे राहुल गुर्जर की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी और खुद भी पंखे से लटकने की कोशिश की, मगर पंखा टूट गया। टूटने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। रावाले पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुष्पा को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने पुष्पा के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। स्टेशन में घनसोली एरिया में एक पुष्पा गुर्जर नामक 32 वर्षीय महिला ने उनके ही दो बच्चों की गला चीरकर हत्या की है। वो जो महिला है, उसका पति बेलाराम गुर्जर ये कुल्फी और आइसक्रीम बेचने का काम करता था और कुछ दिनों से उसको वो घर से बाहर पढ़ने नहीं देता था। इसके नैराश्य में आके उसने ये दोनों बच्चों की हत्या की है, ऐसा अभी तक के तपास में सामने आया है। अपने बच्चों की हत्या करने के बाद ये महिला ने खुद ही आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो सफल नहीं रही और अभी वो जे हॉस्पिटल मुंबई इस जगह पर अभी उपचार ले रही। उससे कोई बातचीत हुई सर? उससे बातचीत हुई है और वो प्राथमिक जो तपास हुआ है उसमें अभी तक ये सामने आया है कि उसने ही बच्चों की हत्या की है।